लाख करोड़ का बजट है और 3.5 लाख करोड़ का कर्जा चढ़ा लिया इन्होंने, कर्जा ले लेके आपके ऊपर। पता नहीं कितनी बेनामी जमीनें खरीद रखी हैं। एक एक नेता ने इतना पैसा इकट्ठा कर लिया, इतना पैसा इकट्ठा कर लिया, इनकी 7 पीढ़ियां घर बैठ के रोटी खाएंगी, इतना पैसा इन्होंने इकट्ठा कर लिया। और अभी तक ये जितने पेपर फूटे हैं ये ऐसे ही थोड़ी फूटते हैं, कोई ना कोई तो बड़ा नेता शामिल है। जब भी ये इंक्वायरी करते हैं अरे गहरे नथु गहरे को जेल भेज देते हैं, बाकी सारे मौज करते हैं, नेताओं को कुछ नहीं करते। कहते हैं केजरीवाल कमीना है, केजरीवाल आतंकवादी है, केजरीवाल खालिस्तानी है, खूब गालियां देते हैं। अभी 1.5 महीना रह गया चुनाव का, अभी इनके बड़े बड़े नेता आएंगे पूरे देश से आके खूब गालियां दे, और एक जैसी गाली, कांग्रेस भी वही गाली देती है, बीजेपी भी वही गाली देती है, एक जैसी गालियां देते हैं दोनों मिलके। मैं अपनी बात शुरू करूं, मेरी जितनी आशा वर्कर बहने हैं वो बहुत बेचैन हो रही हैं। मैं उन सबको बता दूं, आपके कुछ लोग मेरे से मिलने के लिए आए थे, आपकी सारी मांगे मैंने समझ ली हैं, मेरे को जिता दो मैं 3 महीने में आपकी सारी मांगे पूरी कर दूंगा। मंजूर है दोस्तों? मैं यहां किसी को हराने नहीं आया, सीधा साधा आदमी हूं मैं। इस पार्टी को, उस पार्टी को, इस नेता को, उस नेता को, मैं किसी को हराने नहीं आया, मैं गुजरात को जिताने के लिए आया हूं। मैं एक एक गुजराती को जिताने के लिए आया हूं। मेरे को राजनीति करनी नहीं आती, मैं एक पढ़ा लिखा आदमी हूं, इंजीनियरिंग की पढ़ाई करी थी, ईमानदार आदमी हूं, देशभक्त आदमी हूं, काम करना आता है। अगर राजनीति चाहिए, गुंडागर्दी चाहिए, भ्रष्टाचार चाहिए, उनके पास चले जाना। अगर आपको अपने बच्चों के लिए स्कूल चाहिए, रोजगार चाहिए, अस्पताल चाहिए, अपनी जितनी आशा वर्कर बहने हैं इनकी मांग मनवानी है, वीसी वर्कर की मांग मनवानी है, वीसी की जितने ट्रांसपोर्ट कर्मचारी हैं, जितने और जितने कई कर्मचारियों से मिला हूं, अगर वो मांगे मनवानी है मेरे पास आ जाना, मैं आपके सारे काम कर दूंगा। मेरे को काम करना खूब आता है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूं गुजरात के लोगों का, इतना प्यार दे रहे हैं, इतना प्यार मिला मुझे, इतना प्यार मिला गुजरात आके। भगवान से प्रार्थना करता हूं अगर मौका मिला मुझे दिसंबर के महीने में, और अब ऐसा लग रहा है कि कुछ अद्भुत हो रहा है गुजरात के अंदर, अद्भुत हो रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे भगवान झाड़ू चला रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे भगवान झाड़ू चला रहा है, चारों तरफ ऐसा उत्साह है लोगों का। दिसंबर के महीने में जब नतीजे आएंगे, अगर आप लोगों ने हमें एक मौका दिया 5 साल का, एक मौका, उनको 27 साल दिया आपने, मैं एक मौका मांग रहा हूं आपसे, एक मौका अगर आपने मेरे को 5 साल का दिया, आपके प्यार का एक एक कर्ज, एक एक मैं आपको सारा चुकता कर दूंगा, मैं आपका सारा कर्ज उतार दूंगा। सरकार बनेगी, सबसे पहला काम करेंगे भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। इतना भ्रष्टाचार गुजरात में, ये सारे कह रहे हैं नेता, इनसे पूछ लो, आप अपने किसी एमएलए किसी नेता के पास चले जाना कोई काम कराने, उसे कहना जी ये काम कर दो, हमारी सड़क टूटी पड़ी है, पानी नहीं आ रहा, बिजली नहीं आ रही, ये काम कर दो। क्या कहता है वो? पैसे नहीं है, सरकार घाटे में चल रही है। क्यों सरकार घाटे में चल रही है भाई? मैंने देखा 2.5 लाख करोड़ का बजट है गुजरात सरकार का, 2.5 लाख करोड़ रुपए का, पता नहीं कितना होता है, 2.5 लाख करोड़ का बजट है और 3.5 लाख करोड़ का कर्जा चढ़ा लिया इन्होंने, कर्जा ले लेके आपके ऊपर, और हर साल
साल नहीं 27 साल से इनकी सरकार है, 27 साल से हर साल 2.5 लाख करोड़ रुपए का बजट है। कहां गया जी इतना पैसा? ये अभी भगवंत मान जी आपको समझा रहे थे, आप सवेरे उठते हो, नहाने के लिए जाते हो साबुन पे टैक्स, दूध पीते हो दूध पे टैक्स, कुछ भी खाते हो उस पे टैक्स, हर चीज पे टैक्स लगता है, अरबों खरबों रुपया ये इकट्ठा करते हैं, कहां जाता है ये सारा पैसा? ये सारा इनके स्विस बैंकों में जाता है। एक एक नेता ने 10-10 कोठियां बना रखी है, पता नहीं कितनी बेनामी जमीनें खरीद रखी हैं। एक एक नेता ने इतना पैसा इकट्ठा कर लिया, इतना पैसा इकट्ठा कर लिया, इनकी 7 पीढ़ियां घर बैठ के रोटी खाएंगी, इतना पैसा इन्होंने इकट्ठा कर लिया। और फिर कहते हैं घाटे में चल रहा है, ये बंद करेंगे। दिसंबर के बाद से गुजरात में कोई मंत्री पैसा नहीं खाएगा, दिसंबर के बाद से कोई एमएलए पैसा नहीं खाएगा, दिसंबर के बाद से कोई मुख्यमंत्री पैसा नहीं खाएगा, कोई अफसर को पैसा नहीं खाने देंगे। दोस्तों एक एक पैसा गुजरात सरकार का आपके ऊपर खर्च किया जाएगा, जनता के ऊपर खर्च किया जाएगा। ये जो सारा पैसा स्विस बैंकों में ले जाते हैं, ये सारा पैसा जो प्रॉपर्टी खरीदते हैं, ये बंद करेंगे। पंजाब के अंदर हमारा अपना एक मंत्री भगवंत मान जी को पता चला, इनका अपना एक मंत्री थोड़ी बहुत गड़बड़ कर रहा था, इन्होंने अपने मंत्री को जेल भेज दिया। कभी सुना है? अपने कैबिनेट मंत्री को इनको पता चला, मीडिया को भी नहीं पता था, विपक्ष को भी नहीं पता था, इन्होंने खुद अपने मंत्री को जेल भेज दिया। इतनी कट्टर ईमानदार पार्टी है ये, इतनी कट्टर ईमानदार पार्टी है। तो आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, कोई मंत्री को चोरी नहीं करने देंगे, कोई एमएलए को चोरी नहीं करने देंगे, कोई नेता को चोरी, और इन्होंने जितने पुरानी चोरी कर रखी है सारा पैसा इनसे वापस लेंगे। गुजरात के एक एक पैसे का हिसाब लेंगे इन लोगों से, पुराने जितने इन्होंने घोटाले कर रखे हैं सारा पैसा वापस लेंगे। दिसंबर के बाद से आपको किसी भी सरकारी दफ्तर में जाओगे, आपको काम कराने के लिए पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, रिश्वत देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसी व्यवस्था करेंगे कि सरकार आपके घर आके आपका काम करके जाएगी, आपको सरकारी दफ्तर में जाके काम कराने की जरूरत नहीं है। दिल्ली में हमने ये लागू कर दिया, गुजरात के अंदर भी लागू करेंगे। कोई चाहे आपको तहसीलदार के दफ्तर जाना हो, जन्म प्रमाण पत्र बनवाना हो, बिजली का कनेक्शन लेना हो, पानी का कनेक्शन लेना हो, किसी चीज के लिए पैसा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अभी तक ये जितने पेपर फूटे हैं, ये ऐसे ही थोड़ी फूटते हैं, कोई ना कोई तो बड़ा नेता शामिल है। जब भी ये इंक्वायरी करते हैं अरे गहरे नथु गहरे को जेल भेज देते हैं, बाकी सारे मौज करते हैं, नेताओं को कुछ नहीं करते। 2015 के बाद से जितने पेपर फूटे हैं सबकी इंक्वायरी खोलेंगे, और इसमें जितने बड़े बड़े नेता शामिल है सबको जेल भेजेंगे। और जब 2 साल पहले तलाटी की परीक्षा शुरू होने वाली थी, 25 लाख लोग, 1800 नौकरियां थी ना, 1800 नौकरियों के लिए 25 लाख बच्चों ने नौकरी के लिए अप्लाई करा था, और इन्होंने कैंसिल कर दी। दोस्तों हमारी सरकार बना दो, दिसंबर में सरकार बनेगी, फरवरी के महीने में आपकी तलाटी की परीक्षा करा दूंगा, सारी भर्तियां करा दूंगा फरवरी के महीने। दूसरी बात, दिल्ली में हमने सबकी बिजली फ्री कर दी। लोग महंगाई से बड़े दुखी थे, इतनी महंगाई हो रही है, इतनी महंगाई हो रही है, घर चलाना मुश्किल हो रहा है। तो हमने एक काम करा जो हमारे बस में था, हमने कहा यार बिजली फ्री कर दो, आदमी को थोड़ा तो राहत मिलेगी। हमने दिल्ली में सबकी बिजली मुफ्त कर दी, पिछला जितना बकाया था सारा माफ कर दिया। किसी के 70,000 रुपए बकाया थे, किसी के 1 लाख रुपए बकाया थे, किसी के 2 लाख बकाया थे, किसी का 3,000 रुपए बिजली का बिल आता था, किसी का, सारे पुराने बकाया माफ कर दिए। बिजली के बिल अब 0 आते हैं दिल्ली के अंदर, 0।
भगवंत मान साहब को अभी 6 महीने हुए हैं मुख्यमंत्री बने, 1 जुलाई से पंजाब में भी जनता की बिजली फ्री हो गई, गुजरात में भी हो सकती है, करनी है कि नहीं करनी हाथ खड़े करके बता देना गुजरात में। ये सारे मेरे को गालियां दे रहे हैं, बीजेपी वाले भी कांग्रेस वाले भी दोनों जम के गालियां दे रहे हैं कि केजरीवाल पैसे लुटा रहा है, केजरीवाल पैसे लुटा रहा है, बिजली मुफ्त नहीं होनी चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मुख्यमंत्री की सारी बिजली मुफ्त होती है, मुख्यमंत्री को 5,000 यूनिट, गुजरात के सीएम को 5,000 यूनिट बिजली मुफ्त मिलती है हर महीने, गुजरात के मंत्रियों को 4,000 यूनिट बिजली मुफ्त मिलती है हर महीने। मैं कहता हूं गरीब जनता को 300 यूनिट महीने मुफ्त दे दो तो इनको मिर्ची लगती है। बताओ अगर मुख्यमंत्री और मंत्रियों को बिजली मुफ्त मिलती है तो जनता को मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? जनता को मिलनी चाहिए, क्यों नहीं मिलनी चाहिए? भ्रष्टाचार दूर करेंगे, खूब पैसा बचेगा, जैसे दिल्ली में पैसा बचाया, जैसे पंजाब में पैसा बचाया, ऐसे ही गुजरात में भी पैसा बचाएंगे, ईमानदार सरकार आएगी, आपकी बिजली मुफ्त करेंगे। जितनी महिलाएं बैठी हैं, अभी ईशुदान भाई ने बता दिया, जिस जिस बहन का, जिस जिस मां का, जिस जिस बेटी का 18 साल से ऊपर की जो है, अगर बैंक अकाउंट नहीं है तो खुलवा लेना, अपने नाम पे बैंक अकाउंट खुलवा लेना। सरकार बनने के बाद हर 18 साल से ऊपर की महिला के अकाउंट में हर महीने 1,000 रुपए डलवाया करेंगे। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जिस घर में 2 महिलाएं माए बेटी है, दोनों 18 साल से ऊपर हैं, उनको दोनों को अलग अलग 1,000 1,000 मिलेंगे, 2,000 रुपए मिलेंगे। जिस घर में 3 महिलाएं हैं, सास है, बहू है, बेटी है, उनको 3,000 रुपए मिलेंगे, अलग अलग 1,000 1,000 रुपए सबको मिलेंगे। मिलने चाहिए नहीं मिलने चाहिए? ये मेरे को खूब गालियां देते हैं जी, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बीजेपी कांग्रेस कहते हैं केजरीवाल ठग है, अरे ठग तो तुम हो, सारा पैसा खा गए, केजरीवाल तो बहनों के पैसे बांट रहा है। कहते हैं केजरीवाल कमीना है, केजरीवाल आतंकवादी है, केजरीवाल खालिस्तानी है, खूब गालियां देते हैं। अभी 1.5 महीना रह गया चुनाव का, अभी इनके बड़े बड़े नेता आएंगे पूरे देश से, आके खूब गालियां दे, और एक जैसी गाली, कांग्रेस भी वही गाली देती है, बीजेपी भी वही गाली देती है, एक जैसी गालियां देते हैं दोनों मिलके। आपके बच्चों के लिए रोजगार का इंतजाम करेंगे, बहुत सारे बच्चे बेरोजगार बैठे हैं, घर में बैठे हैं, उनके पास रोजगार नहीं है। दिल्ली में मैंने 5 साल में 12 लाख बच्चों के लिए रोजगार का इंतजाम किया, 12 लाख बच्चों के लिए। मेरे को करना आता है, रोजगार का इंतजाम करना आता है, नीयत भी साफ है। पंजाब में अभी 6 महीने भी नहीं हुए भगवंत मान को सरकार बनाए, 17,000 बच्चों को सरकारी नौकरियां दे दी 6 महीने में, अभी देखना अभी तो और बहुत बनने वाली है। यहां पे गुजरात में भी हमने पूरी प्लानिंग करी है, इतने सारे अस्पताल बनाने हैं हमें, इतने सारे सरकारी स्कूल बनाएंगे, इतने सारे मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे, इतना काम करना है, इतना काम करना है। कम से कम 10 लाख सरकारी नौकरियां निकलेंगी गुजरात के अंदर, 10 लाख सरकारी नौकरी। और जब तक कोई बच्चा बेरोजगार रहेगा उसके लिए रोजगार का इंतजाम नहीं होगा, उसको 3,000 रुपए महीने के हिसाब से हर महीने बेरोजगारी भत्ता मिलेगा ताकि वो अपना खर्चा पानी चला सके। स्कूल ठीक करेंगे, इन्होंने सरकारी स्कूलों का बेड़ा गर्क कर दिया, इनकी सेटिंग है प्राइवेट स्कूल वालों से। दिल्ली में हमने उल्टा करा है, सरकारी स्कूल इतने शानदार बना दिए, इतने शानदार बना दिए सरकारी स्कूल। पहले दिल्ली के भी सरकारी स्कूलों का बुरा हाल था, लेकिन पिछले 5 साल में दिल्ली के सरकारी स्कूल इतने शानदार हो गए, अब दिल्ली में मजदूर का बच्चा इंजीनियर बनता है, रिक्शे वाले का बच्चा डॉक्टर बनता है,
गरीबों के बच्चे, कारपेंटर का बच्चा, प्लंबर का बच्चा, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, बड़े बड़े लोग बन रहे हैं। आप सोचो एक गरीब आदमी का बच्चा इंजीनियर बन जाएगा तो उनकी तो गरीबी दूर हो गई, क्योंकि वह बच्चा बाहर निकल के 2-3 लाख रुपए महीने की तनख्वाह पाएगा। जो मजदूर बेचारा 7-8 हजार रुपए महीना कमाया करता था, अब उसका बेटा उसके लिए 2 लाख रुपए महीना कमा के लाएगा। दिल्ली के सरकारी स्कूल इतने शानदार हो गए, अब इन सरकारी स्कूलों में हजारों बच्चे इंजीनियर बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, वकील बन रहे हैं। और दिल्ली में उल्टा हो रहा है, दिल्ली में प्राइवेट स्कूलों से लोग अपने बच्चों का नाम कटा कटा के सरकारी स्कूल में भर्ती करा रहे हैं। 4 लाख बच्चों ने पिछले कुछ साल में प्राइवेट स्कूल से नाम कटा के सरकारी स्कूल में भर्ती कराया है। गुजरात के सरकारी स्कूल ठीक होने चाहिए, नहीं होने चाहिए? गुजरात के भी सरकारी स्कूल इतने शानदार कर दूंगा, आपको प्राइवेट स्कूल भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सरकारी स्कूल में एडमिट कराना, सारी शिक्षा फ्री होगी। लेकिन फिर भी जो अपने बच्चों को प्राइवेट में पढ़ाना चाहते हैं, इन प्राइवेट वालों ने लूट मार कर रखी है। जब मर्जी फीस बढ़ा देते हैं, जब मर्जी कभी लाइब्रेरी फीस, डेवलपमेंट फीस, फलाना फीस, ढिमका फीस। दिल्ली में भी इन्होंने गुंडागर्दी कर रखी थी। दिल्ली में हमने सारे प्राइवेट स्कूलों का ऑडिट करवाया, पता चला इन्होंने इतना पैसा इकट्ठा कर रखा है बच्चों से फीस ले लेके, फीस के नाम पे। किसी स्कूल के पास 50 करोड़ की एफडी मिली, पैसा ले लेके एफडी में जमा करा रखा है, फिक्स डिपॉजिट बैंक में। किसी के पास 50 करोड़, किसी के पास 30 करोड़, किसी के पास 20 करोड़। सारे स्कूलों की एफडी तुड़वा के बच्चों के पैसे वापस कराए थे हम लोगों ने। पहली बार हुआ था प्राइवेट स्कूल वालों ने पैसे वापस करे थे। गुजरात के भी सारे प्राइवेट स्कूलों के ऑडिट करवाएंगे, जिन्होंने गड़बड़ कर रखी है आपके पैसे वापस कराएंगे। और आज के बाद कोई प्राइवेट स्कूल वाले को नाजायज फीस नहीं बढ़ाने देंगे, जैसे दिल्ली और पंजाब में किया है। हमने दिल्ली में सबका इलाज मुफ्त कर दिया। आज घर में कोई किसी को बीमारी हो जाए, जेवर बेचने पड़ जाते हैं, इतनी महंगी हो गया इलाज, प्राइवेट अस्पताल में चले जाओ। और गुजरात में सरकारी अस्पतालों का बेड़ा गर्क है, सरकारी अस्पतालों में कोई इलाज नहीं होता। दिल्ली में भी पहले ऐसे ही था, दिल्ली में भी सरकारी अस्पतालों का बुरा हाल था। हमने दिल्ली के सारे सरकारी अस्पताल शानदार बना दिए, अब लोग प्राइवेट में नहीं जाते, सरकारी अस्पतालों में इलाज कराने आते हैं। मोहल्ला क्लिनिक खोल दिए गली गली के अंदर। पूरे गुजरात के अंदर मैंने प्लानिंग करी है, 20,000 मोहल्ला क्लिनिक खोलेंगे हर गांव के अंदर, हर मोहल्ले के अंदर। गुजरात के अंदर भी सबका इलाज मुफ्त करेंगे, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, चाहे बच्चा हो चाहे बूढ़ा हो चाहे जवान हो, हर एक का, हर एक गुजराती का पूरा इलाज मुफ्त होगा। चाहे 10 रुपए की क्रोसिन की दवाई है, वो भी आपको मुफ्त मिलेगी। दवाइयां भी फ्री, टेस्ट भी फ्री, ऑपरेशन भी फ्री। और अगर आपका 20 लाख रुपए का भी खर्चा आता है तो वो भी फ्री होगा, भगवान ना करे कोई बीमार पड़े। लेकिन अगर बीमार पड़े तो दिल्ली की तरह आपका सारा इलाज मुफ्त करने का इंतजाम करेंगे। जब से पिछले कुछ महीने से मैं आने लगा हूं, इनकी आईबी की, आईबी एक एजेंसी होती है, इनकी आईबी की सरकार की एक रिपोर्ट आई है। रिपोर्ट कह रही है कि गुजरात में आम आदमी पार्टी की बहुमत के साथ, भारी बहुमत के साथ सरकार बनने जा रही है। ये मैं नहीं कह रहा, गुजरात सरकार की रिपोर्ट है। गुजरात सरकार की सीक्रेट रिपोर्ट आई है कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। तब से ये पागल हो गए हैं ये लोग। इन्होंने पहले हमारा दिल्ली में सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार कर लिया। सत्येंद्र जैन हमारा सेहत मंत्री है, हेल्थ मिनिस्टर है, जिसने दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक बनाया, जिस आदमी ने, जिसने दिल्ली के सब लोगों का इलाज मुफ्त कर दिया, उसको इन्होंने गिरफ्तार कर लिया कि दिल्ली के अंदर जो अच्छा काम हो रहा है बंद करो उसको। फिर अभी मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करने वाले हैं। मनीष सिसोदिया वो आदमी जिसने दिल्ली के स्कूल शानदार बना दिए, बच्चों का भविष्य बना दिया,
जिसने बच्चों के लिए रोजगार का इंतजाम किया, कह रहे हैं मनीष सिसोदिया को अब गिरफ्तार करेंगे, दिल्ली के अच्छे काम बंद करो, हमें इनकी जेल से डर नहीं लगता। कितने दिन रख लेंगे जेल में? 5 महीने, 6 महीने, 8 महीने, बाहर निकल के फिर अच्छा काम शुरू कर देंगे हम। अब ये जब से रिपोर्ट आई है गुजरात सरकार की कि आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है, ये बीजेपी और कांग्रेस वालों की सीक्रेट मीटिंग शुरू हो गई है। कभी इधर इनकी सीक्रेट मीटिंग हो रही है, कभी उधर इनकी सीक्रेट मीटिंग हो रही है। उसमें ये पूरा प्लान बना रहे हैं कि किस तरह से कुछ भी करो आम आदमी पार्टी नहीं आनी चाहिए, जो मर्जी करो। दोनों मिलके एक जैसी गाली देते हैं, आप देखना। कांग्रेस बोलती है, फिर बीजेपी बोलती है, फिर दोनों मिलके आम आदमी पार्टी के खिलाफ प्रचार कर रहे हैं। ये समझना पड़ेगा आपको, सारे गुजरात के लोगों को। और आजकल बीजेपी वालों ने एक और काम शुरू किया है, वो आके कान में बोलेंगे आपके, कहते हैं हाँ ये लोग अच्छे तो हैं पर अभी इस बार नहीं, अगली बार। इस बार कोई आके बोले ना आपको, समझ जाना बीजेपी का है, उसको बोलना अगली बार नहीं, इसी बार। इसी बार सरकार बनानी है आम आदमी पार्टी की, अगली बार नहीं बनानी, अभी इसी बार, यही बार, यही बार सरकार बनानी है। 27 साल के बाद इनको अहंकार हो गया है बहुत ज्यादा, बहुत घमंड हो गया इन लोगों को। गाली गलौच करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, मारपीट करते हैं, कोई इनके खिलाफ कुछ बोल दे मारपीट करने पे उतर आते हैं, सुनते नहीं है किसी की। आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, जनता की सरकार बनेगी, जो जनता कहेगी सरकार वही काम करेगी, जनता के हिसाब से काम होगा, कोई नेता की नहीं चलेगी, कोई मुख्यमंत्री की नहीं चलेगी, जो जनता कहेगी जनता के हिसाब से काम करेंगे। और देखो जी, कांग्रेस को वोट दे के बेकार मत करना, कांग्रेस को वोट देने से कोई फायदा नहीं है, अपना वोट बेकार करोगे, अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट देना, आम आदमी पार्टी को वोट देना। मैं अभी देख रहा था जूनागढ़ में हम लोग आ रहे थे, सारी सड़कें टूटी पड़ी हैं, दिसंबर में सरकार बनेगी, 6 महीने में आपकी सारी सड़कें बनवा देंगे। वैसे अगर इनसे हिसाब किताब लेंगे, कागजों में सड़कें बन चुकी होंगी, सारा पैसा खा गए होंगे ये लोग, कागज में बन जाती है सड़क, पैसा खा जाते हैं, जनता को सड़क नहीं मिलती। ईमानदार सरकार आएगी, 6 महीने में आपकी सारी सड़कें बना देंगे। और मेरे को अभी बताया गया कि कई मच्छीमार भाई बहन आए हुए हैं, उनके परिवार के लोग आए हुए हैं, उनसे भी मैं मिल चुका हूं, उनकी जितनी मांगे हैं उनको मैं समझ चुका हूं, आपकी सारी मांगे हम पूरी करेंगे, ये मेरा वादा है। एक बार सारे जने मिलके सरकार बनाओ। और यहां जितने लोग आए हैं, मेरे को बताया गया आसपास की 3-4 विधानसभाओं से, हर गांव से दो चार लोग आए हैं। आपको अपने गांव में वापस जाके जितनी बातें मैंने कही हैं वो सारी बातें बनानी है। अभी जैसे ईशुदान भाई ने कहा, एक एक आदमी को जिम्मेदारी लेनी है, कम से कम 100-100 वोट की जिम्मेदारी एक एक आदमी को लेनी है। पक्का करेंगे। भारत माता की।